Hello friends, welcome to my YouTube channel Easy in Easy Way. Friends, today's video's topic, as you can see on the board, the saree shop, it's a story written by Rupinder Bajwa. She born in Amritsar, Punjab, and she born in 1976. Thodi si baat iske writer ke bare mein. She completed her graduation in Hyderabad and she completed her post graduation in Ludhiana. And before starting the career in literature, she has done several jobs in advertising and journalism, etc. And some other notable works. Tell Me a Story. It's a collection of short stories. And her another work is The Way, Things Were. This work is exploring the history of the partition of India. History of partition of India. So she got, and the saree shop is her famous work, and she got the Commonwealth Prize. Commonwealth Writers Prize for this she got this prize for this work. So now we should talk, let's talk about the story. Starts from a saree shop which named Sevak Saree Shop. Okay, this saree shop is located in Amritsar in main bazaar, and the present owner of this saree shop is Bhim Singh. He joined this shop as an owner at the age of 20. 20 साल की उम्र में इन्होंने ये शॉप जो है वो एज एन ऑनर ज्वाइन की थी. ये इनके दादा की शॉप थी. इनके दादा का नाम था सेवक. उनके नाम पे ये जो साड़ी थी वो साड़ी शॉप थी, सेवक साड़ी शॉप. तो ये उनका जो है भीमसेन, ये सेवक, मिस्टर सेवक का ग्रैंडसन है. तो 20 साल की उम्र में जब इन्होंने जॉब ज्वाइन की, यहाँ पर एज एन ऑनर शुरू किया, अपना काम बिजनेस शुरू किया, तो इनके पास एक महाजन नाम का पर्सन आता है. महाजन केम एट द एज ऑफ 15. 15 साल की एज में वहां पर एज अ सेल्समैन ये जॉब के लिए आता है. वहां पे भीमसेन इनको रख लेता है वहां पर. और भीमसेन को इनपे इनका काम देख के, इनके ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही ऑनेस्ट प्रूव होता है अपने काम में, तो भीमसेन का इसमें बहुत ट्रस्ट होता है. वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दे देता है. ही गिव द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द शॉप टू मिस्टर महाजन. और ये उतनी इन्वॉल्वमेंट अपनी शॉप में बहुत ही कम करता है, बिकॉज ये ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता. कभी कभार कुछ मेन ओकेजन या कोई VIP कस्टमर्स को डील करने के लिए ही आता है, अदरवाइज ये रिलैक्सिंग मोड पे चला जाता है. तो इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं. तो मेरे को ना इस स्टोरी जो है, मेरे पास इसका कोई पर्टिकुलर मटेरियल नहीं है अभी, तो मैं ऑनलाइन रिसोर्सेज से जितना कलेक्ट कर पाई हूँ उतना ही मैं इस वीडियो में बता पाऊंगी. और जैसे ही मुझे इसकी स्टोरी की बुक मिलेगी तो मैं इसकी एक और वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं इसका जो है डिटेल में इस टेक्स्ट जो है उसको डिस्कस करूंगी. तो अभी हम जो है इसकी स्टोरी को देख लेते हैं. एक्चुअली मेरे पास भी ना इसकी कोई
पर्टिकुलर बुक नहीं है अभी, तो जब भी मेरे पास बुक आएगी मैं इसका एक प्रॉपर वीडियो फिर से बनाऊंगी, इसका पूरा जो है टेक्स्ट उसका वो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी अपनी एक और वीडियो बना के। फिलहाल जो भी ऑनलाइन रिसोर्सेज से मैं कलेक्ट कर पाई हूँ, बिकॉज मैंने भी यूट्यूब पे सर्च किया तो मुझे भी ये सिंपल इंग्लिश या फिर अपनी जो है वो इंग्लिश और हिंदी और पंजाबी वीडियो मुझे मिली नहीं इसकी यूट्यूब पे, तो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि वीडियो बना लेते हैं। एक मेन कैरेक्टर है रामचंद, ये प्रोटैगनिस्ट है इसका पूरी स्टोरी का, इसी के रिवॉल्व ये सारी जो है स्टोरी घूमती है। ये एक ऑर्फन है, अनाथ आदमी है, ये 6 साल की एज में ये जो था वो अनाथ हो जाता है। इसके पेरेंट्स जो हैं वो एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है। जब ये 6 साल का था तो इसके पेरेंट्स ने इसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिट करवाया था, पर वो उसी एज में उसी ईयर में इसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। तो फिर ये अपने अंकल जो हैं इसके चाचा वो उनको इसको ले जाते हैं अपने पास, वो अपने हिसाब से इसको परवरिश देते हैं, इसकी पढ़ाई जो है वो थोड़ी फिर नॉर्मल हो जाती है और 8th तक ही पढ़ पाता है ये। और उसके बाद इसके जो अंकल हैं वो इसको इसी साड़ी शॉप में, सेवक साड़ी शॉप में इसको जॉब दिला देते हैं, उनका उनकी जान पहचान के थ्रू उस साड़ी शॉप में ये जॉब करता है, ठीक है। और ये जो है इसके पेरेंट्स का सपना था कि एक अच्छे स्कूल में पढ़े, इसका भी जो है वो मतलब इंडियन इंग्लिश मीडियम स्कूल में था तो इंग्लिश लर्निंग जो लर्निंग डिजायर जो है वो अभी भी इसके अंदर है। तो दूसरा कैरेक्टर है हरि, द यंगेस्ट एम्प्लॉय, इन द सेम शॉप, ये इसका को वर्कर है और ये थोड़ा सा फनी नेचर का है। एक और कैरेक्टर है इसमें गोकुल, ये जो है एक सिंसियर पर्सन है, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट रिस्पॉन्सिबल भी है ये, एक और कैरेक्टर है इसमें चंद्र, ये काम पर्सनालिटी है, मीन्स शांत रहने वाला बंदा है, इसको कोई कुछ भी बोले ये ज्यादातर किसी को रिप्लाई नहीं करता, अपनी जॉब से ज्यादातर ये एब्सेंट ही रहता है। एक इसकी वाइफ है कमला, ये भी एक मेजर कैरेक्टर है इस स्टोरी का, ठीक है। दो पर्सन और हैं इसमें, एक है राजेश और एक है श्याम, ये दोनों सीनियर कैरेक्टर्स हैं इसमें, अलग ही रहते हैं सबके सबसे और इनकी आपस में बहुत पक्की दोस्ती है और ये दोनों को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है बिकॉज ये सबसे पहले और पुराने एम्प्लॉय हैं इस साड़ी शॉप की। सो अभी हम थोड़ी सी स्टोरी जितनी मुझे पता है जितनी मैं कलेक्ट कर पाई हूँ ऑनलाइन रिसोर्सेज से तो उतनी ही मैं इसमें बता पाऊंगी। जैसे ही मुझे इसकी बुक मिलती है मैं एक और वीडियो बनाऊंगी अपने चैनल पे जिसमें मैं इसकी स्टोरी को अच्छे से डिस्कस करूंगी। तो कहानी शुरू होती है रामचंद से। रामचंद जिस घर में रहता है वो घर की हालत इतनी सुधरी हुई नहीं है, ये पैदाइशी गरीब नहीं था बट ये है कि इसकी इसके साथ ट्रेजेडी ऐसी हो गई इसके पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बाद कि ये फिर मतलब गरीबों की गिनती में आ गया ये बंदा। तो इसकी जो जहाँ भी ये रहता है वो घर इतना अच्छा नहीं है तो यहाँ पर ये इसकी ये सो रहा होता है तो इसकी नींद खुलती है बाहर रोड के ऊपर इसका घर है मेन रोड पे, तो इसका जो बाहर जो झगड़ा चल रहा होता है किसी का एक मिल्कमैन का किसी आम पर्सन के साथ उसके उनकी आपस में टक्कर होती है तो वो झगड़ा करते हैं और वो बहुत ही ज्यादा झगड़ा करते हैं इतना कि इसकी उस झगड़े के शोर से इसकी नींद खुलती है। ये थोड़ा आलसी उस नींद में इतना होता है मतलब ये झगड़े को देखता रहता है अपना उधर अपनी विंडो से तो इसको नहीं पता चलता कि कितने बजे उठा है या लेट हो रहा है शॉप पे जाना है इसमें या कुछ ऐसा उस टाइम पे इसको ध्यान नहीं रहता, ये मजे से अपना वो देख रहा होता है। फिर उसके बाद बड़ी स्लो स्लो आराम से ये ब्रश करता है, ब्रश करने के बाद ये फिर से उधर ही खड़े होके दिखता है
झगड़े को देख रहा होता है कि चलो अब क्लोज हो गया है ना, कुछ बाहर से आके कुछ और लोगों ने झगड़ा सॉर्ट आउट कर दिया। तो फिर अचानक से इसका ध्यान पड़ता है एक वॉच की तरफ, तो वह ये देखता है कि मैं तो लेट हो गया हूँ, मुझे मतलब जो महाजन है उससे बहुत डरते हैं ये सारे, जो कि उसका एक ऑनेस्ट एम्प्लॉय है भीमसेन सेठ का, तो उसे उससे ये सारे बहुत डरते हैं। इसको उसी की टेंशन हो रही है कि पता नहीं वो क्या क्या बोलेगा, ये जल्दी जल्दी में तैयार होके निकलने लगता है कि मतलब घर पे सब कुछ मेस करता है, कोई चीज़ इधर बिखेर देता है, कोई उधर बिखेर देता है, जल्दी जल्दी से गलियों में जो भी शॉर्टकट्स लेता है। तो फिर पहुंचता है दुकान पे, देखता है कि सारे एम्प्लॉयज अपनी जगह पे उधर बैठे हुए हैं, एक स्माइल के साथ अपने कस्टमर्स को डील कर रहे हैं, और ये पर्सन जो है ये मतलब अंदर जाने की कोशिश करता है। तो जैसे ही दुकान के ऊपर एंटर करता है ना, तो उसमें स्टोरी में एक बोर्ड दिखाया है जो कि लाइट ग्रीन कलर का है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है वही सेवक साड़ी शॉप, सेवक साड़ी शॉप, लाइट ग्रीन कलर का वो एक प्लेट है जिसके ऊपर नाम लिखा है। तो उसके थ्रू जब ये एंटर होते हैं अंदर दुकान पे दरवाजे के डोर के थ्रू, तो सबसे पहले एक गणेश जी की मूर्ति लगी होती है, तो ये पहले मतलब हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है उधर। तो फिर देखता है कि महाजन क्या कर रहा है, अभी मेरे को देखेगा, मुझ पर चिल्लाएगा या कुछ ऐसा। तो ये देखता है कि वो बात कर रहा होता है फोन पे, तो ये चुपके से निकलने की कोशिश करता है वहां से। तो फिर भी ये धीरे 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 जब वो वुडन की होती है जो स्टेयर्स है वो उसके ऊपर जब इसके ये पैर रखता है, तो इतना नॉइस मतलब करता है, ये चप्पल भी उतार के चलने की कोशिश करता है पर फिर भी बहुत नॉइस हो जाता है। तो फिर वो उसका ध्यान जो है, जो महाजन है वो उसको देखता है और उसके ऊपर चिल्लाते ही मतलब कि अब पंजाब में है तो पंजाबी लैंग्वेज में बोलता है उसको कि ऐदा नहीं दुकाना चलनी है, ये वो कुछ है ना, एक टाइम है आंदा जो भी है, क्योंकि अमृतसर में पंजाबी बोलते हैं तो वो इसी वे में बात करता है। सो सबसे कस्टमर्स में ये सब में थोड़ा सा एम्बेरस फील करता है कि अब मेरे को सबके सामने इसने डांटा है, तो ये आराम से बैठता है। तो वहां पे उस टाइम पे इसके जो जिस काउंटर पे ये बैठता है उसके पास वाले काउंटर पे बैठा होता है हरी बैठा होता है, और ये इसको मतलब इसके ऊपर हंस भी रहा होता है क्योंकि ये फनी कैरेक्टर है, तो ये ऐसे ही हंसने वाले ही काम करता है, हरकतें भी ऐसे ही करते हैं ये। तो इसके ऊपर हंस रहा होता है और कहता है कि कोई बात नहीं, ये सबको ऐसे ही बोलता है, ये मतलब ऐसे ही होते हैं जो दुकान के मालिक होते हैं ऐसा, तो तू इसकी बात को एक कान से सुन और दूसरी से निकाल दिया कर, इसको इतना सीरियसली नहीं लिया कर। और क्योंकि ये पॉलिसी ना इसकी खुद की भी है, ये खुद भी गलत काम करते रहता है, डांट खाता रहता है, पर ये किसी की परवाह नहीं करता, एक कान से सुनता है दूसरे से निकाल देता है। तो ये थोड़ा सा फनी कैरेक्टर है, और उसके बारे में ना थोड़ा सा बोलता है, गलत बोलता है महाजन के बारे में। तो वहां पर अब एंट्री कराते हैं ये गोकुल कैरेक्टर की, जो गोकुल है, जो कि एक मैंने बताया था सिंसियर है, रिस्पॉन्सिबल है, ऑनेस्ट है। तो वो इन दोनों को समझाता है कि दुकान के मालिक को ऐसे नहीं बोलते, उसकी जहाँ से हम खा रहे होते हैं, रोजी कमा रहे हैं, वहां पे हमें उसको बंदे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये उनको समझा देता है, समझाने की कोशिश करता है। और दूसरा इसके ऊपर मतलब रिस्पॉन्सिबल इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इतना भी उस टाइम पे ना जो अमृतसर में है जैसे कि सिखिज्म बहुत है, तो वहां पर बेशक ये साड़ी शॉप थी पर वहां पर जो है दुपट्टे हैं जो उनकी भी बड़ी डिमांड रहती थी, तो इन्होंने दुपट्टे भी रखे होते और दुपट्टों को बहुत ही संभाल के रखना पड़ता है, जैसे जो कुछ होते हैं ना शिफॉन के कुछ ऐसे प्योर दुपट्टे या कुछ, तो उनको बहुत संभाल के रखना पड़ता है। पहले तो वो उतनी क्वालिटी में मिलते नहीं है, तो इस शॉप का ये था कि इनके जो कस्टमर थे वो परमानेंट थे और वो इन्हीं से डिमांड करते थे, कुछ चाहिए होता था, तो उन्होंने कस्टमर्स की डिमांड पे ही दुपट्टे रखे थे और उनकी बहुत ही मतलब एक केयर करनी पड़ती थी। तो इसको दी गई थी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम दुपट्टों की सारी जो है मेंटेनेंस वो इसने करनी है, कस्टमर को दिखाने हैं, फिर उसके बाद जहाँ पर भी संभाल के रखने का कबड़ वगैरह में वो ये करता था। तो ये इन दोनों को समझाता है। देन एक आते हैं चंदर, ये भी पिछले दिन छुट्टी पे था, तो इसको भी डांट पड़ रही होती है और ये कोई रिप्लाई नहीं करता, इन लोगों की बातें भी सुनता है पास खड़ा होके, इनके साथ भी कोई इंटरेक्ट नहीं करता, और महाजन को भी ये कोई रिप्लाई नहीं देता कि मैं मतलब क्यों नहीं आया, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस चुपचाप सुनना, ये उसकी रूटीन थी कि आप बोलते रहो मैं सुनते रहूंगा।
करके, और तो फिर ऐसे ही करके इसकी जो है वो मतलब लाइफ जो है वो पूरी सारी शॉप में दिखाई गई है कि ऐसे ही करके ये चलती गई इसकी लाइफ। और जो रामचंद्र है जो कि प्रोटैगनिस्ट है इस पूरी स्टोरी का, मेन कैरेक्टर है, वो मीन्स कि फेडअप था अपनी इस रूटीन लाइफ से कि मैं ऐसे ऐसे, तो इसको एक बार मौका मिल जाता है कहीं जाने का, कोई अमीर फैमिली में किसी लड़की का कोई फंक्शन होता है उधर, तो उनको साड़ियाँ दिखाने के लिए इसको भेजा जाता है, कपड़े शपड़े दे के इसको। तो ये क्या करता है, उधर जाता है तो इसको अपना एक वो याद आ जाता है कि मैंने मीन्स पढ़ना था, मैंने इंग्लिश पढ़नी थी, मैंने सीखनी थी, तो ये अभी भी इंग्लिश के टच में था कहीं ना कहीं, कुछ डिक्शनरी रखी हुई थी इसने या कुछ ऐसा। तो ये अपने आप को उनके हिसाब से मेंटेन करने के लिए नई सॉक्स लेता है, एक सोप लेता है, फिर डिक्शनरी लेता है, तो उनके घर जाता है, तो वहां पर अपना मतलब ये उनकी एक रियलिटी देखता है जब कोई, ये मेरे को इतने डेप्थ में नहीं पता इसका भी, तो वो जब मेरे पास मैं स्टोरी पढ़ूंगी तभी मैं आप लोगों को क्लियर कर पाऊंगी। एक इसमें एक और ट्रेजिक फ्लॉ है कि जब एक टाइम ऐसा आता है स्टोरी में कि ये जो सारी शॉप है इसमें वो जो अमीर वर्ग के लोग हैं ना वो इन सारे इम्प्लॉयज की सैलरी बंद कर देते हैं, पहले बोलते हैं कि 3 महीनों के लिए, फिर उसके बाद ये देते ही नहीं है उनको सैलरी, तो इससे ये जो सारे एम्प्लॉयज हैं इनका मतलब पर्सनल जो भी खर्चे हैं वो सारा मुश्किल हो जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, इकट्ठे होकर बात करने की कोशिश करते हैं अपने ऑनर के साथ, पर वो इनकी जो है वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पाती। तो ये जो चंद्र है इसकी वाइफ जो है वो कमला, ये बेचारी अमीर लोगों का शिकार हो जाती है, ये इनको एक रिक्वेस्ट करती है, उनको मनाती है कि हमें मतलब सैलरी दी जाए बिकॉज हमारा मुश्किल हो गया है गुजारा अब। तो फिर वो जो अमीर लोग हैं जो भी थे उस टाइम पे, जो भी पर्सन थे उनके कुछ नाम हैं अभी मुझे फिलहाल नहीं पता, तो उन्होंने क्या किया कि इसको ड्रिंक कराया, रेप कर दिया एंड देन इसको पुलिस को भी दे दिया, देन पुलिस के पास जाकर भी इसको सेक्सुअल हरासमेंट का सामना करना पड़ा इस औरत को। और फिर एक अमीर वर्ग के किसी आदमी ने इसको जब ये अपने घर पे थी तो इसके ऊपर इसके घर को आग लगवा दी, तो इसकी डेथ हो जाती है इसमें। तो ये बहुत ही एक पिटी कैरेक्टर है और ये मेन ट्रेजिक है, और इस इंसिडेंट का इसके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है ये। तो जो रामचंद है वो इस स्टोरी में कुछ रियलाइज करता है कि मतलब कुछ इनइक्वालिटीज जो भी उसके साथ होता है वो चीज़ें चेंज करना करने की कोशिश करता है, वही इस स्टोरी की मेजर थीम्स के रूप में भी सामने आती हैं। फॉर एग्जांपल सोशल इनइक्वालिटी की बात करते हैं इसमें, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को हम देख सकते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी को हम देख सकते हैं, और जो कैरेक्टर्स हैं लाइक रामचंद्र वो सेल्फ डिस्कवरी में लगे रहते हैं कि हम अपने आप की ग्रोथ वो करना चाहते हैं, खुद की वो देखते हैं कि मतलब हम कैसे ग्रो करें। इसमें हम ग्लोबलाइजेशन और कदम देखते हैं, और इसमें हम फेमिनिज्म भी थ्रू द कैरेक्टर ऑफ कमला हम वो एस्पेक्ट भी इसमें देखते हैं। ऑनलाइन रिसोर्सेज के बेसिस पे मैं जितना भी कलेक्ट कर पाई हूँ वो मैंने इस वीडियो में प्रेजेंट कर दिया है। अभी जब मुझे मेरे पास जब बुक होगी देन मैं आपको इसका एक जो है एक प्रॉपर स्टोरी के ये चीज़ें जो इंसिडेंट्स मैं बता रही हूँ वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे आए, तो वो भी मैं आपको विदिन अ वीक में आप ट्राई करूंगी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर ये भी आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत कुछ हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि अभी यूट्यूब पे मैंने इसकी इतनी ज़्यादा वो वीडियोस देखी नहीं है इस टॉपिक पे अभी तक, तो अगर ये कंटेंट मेरा आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना, वीडियो को अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो जिनको भी इस स्टोरी की इसकी ज़रूरत है उनके साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।